नमस्कार दोस्तों, इंजीनियर्स एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम कक्षा 6 का प्रकरण 2 एक जगत एक लोक पढ़ेंगे। तो प्रकृति के तत्व हम सब के लिए हैं, हम सबको समानता से रहना चाहिए, बिना भेदभाव के सभी के साथ प्रेम से रहना है। आज मनुष्य की सोच अपनी दुनिया तक सीमित हो रही है। इस काव्य का भाव राष्ट्रवाद की संकीर्णता से ऊपर उठकर विश्व बंधुत्व की भावना विकसित करता है। तो आइए दोस्तों, हम देखते हैं। तो इस चित्र में आप देख सकते हैं कि ओम का चिन्ह है, क्रॉस का चिन्ह है, स्टार का चिन्ह है, ये सभी धर्मों का बढ़ावा करते हैं ये चित्र। तो हम कविता को पढ़ेंगे पहले। एक जगत एक लोक सबका है एक मान, एक जगत एक लोक सबका है एक मान, एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमान, एक तेज एक हवा एक ही पानी, जीवन है सुख दुख की एक कहानी, एक देह एक रक्त, एक देह एक रक्त, एक अस्थि एक प्राण, एक जगत एक लोक सबका है एक मान। हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने, समता और ममता के गीत तराने, घर घर में गूंज रहा निस्दिन यह मधुर गान, एक जगत एक लोक सबका है एक मान। राष्ट्रों में एक के यही कर्म हमारा, प्रगति न्याय मानवता धर्म हमारा, हिल मिल के लहराए विश्व शांति का निशान, एक जगत एक लोक एक सबका एक मान। तो यहाँ इधर इस काव्य में कवि ने कहा है कि एक जगत एक लोक, जगत एक छे ने लोको पण एक छे, सबका है एक मान, बधानो समान मान छे। एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि एक आसमान, कोई एवं थयु कि एक हिंदू माटे कोई अलग सूर्य हे, मुस्लिम माटे एक सूर्य अलग हे, एक जमीन अलग हे, ना, सूर्य चंद्र जमीन आकाश बधु बधा माटे अहीं समान छे। एक तेज एक हवा एक ही पानी, कोई अलग अलग पानी पीयो छे, ख्रिस्ती धर्मना मुसलमान धर्मना हिंदू धर्मना कोई अलग अलग पानी पीता नहीं, बधा पानी हवा प्रकाश बधु एक ज हो छे बधा माटे। जीवन है सुख दुख की एक कहानी, आपणुं जीवन छे केवुं छे, घड़ीक में सुख होय तो घड़ीक में दुख पण होय छे। एक देह एक रक्त, हिंदू नो लोही केवो होय, लाल होय, मुसलमान नो लोही पीळो होय, एवो होय ना, बधानो लोही पण एक सरखो होय, शरीर पण बधानो एक सरखो होय छे। एक अस्थि एक प्राण, हाडका प्राण बधानो एक ज होय छे, एक जगत एक लोक। हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने, बधा भेगा मळी अने हसी खुशीथी रही अने समता और ममता के गीत तराने, समता अने ममताना जोड़े रहेवानुं ने एकबीजा प्रत्ये प्रेमपूर्ण व्यवहारथी आपणे रहीए, घर घर में गूंज रहा निस्दिन यह मधुर गान, निस्दिन એટલે કે રાત અને દિવસ એક જ ગાન ગુંજી રહ્યું છે। રાષ્ટ્રોમાં એક કે યહી કર્મ હમારા, રાષ્ટ્રમાં એકતા હોય એ જ આપણું કર્મ હોવું જોઈએ। પ્રગતિ ન્યાય માનવતા ધર્મ હમારા, હંમેશા પ્રગતિ ન્યાય અને માનવતા જ અમારો ધર્મ રહેલો છે। હિલમિલ કે લહેરાય, આ ત્રણ ધર્મ છે તે હિલમિલ કે લહેરાય એટલે કે એકબીજાને જોડીને આપણે બધા ભેગા થઈને રહીએ। વિશ્વ શાંતિ કા નિશાન, આ વિશ્વ શાંતિ બનાવી રાખીએ, જો આપણે બધા ભેગા થઈ પ્રગતિ કરીશું, શાંતિથી માનવતાથી રહીશું, ન્યાયપૂર્વક રહીશું તો વિશ્વ શાંતિ બની રહેશે એમ। તો એ શબ્દાર્થ જોઈએ। જગ યાની જગત દુનિયા, લોક યાની સંસાર, માન યાની આદર સન્માન, ભૂમિ યાની જમીન ધરતી, તેજ યાની પ્રકાશ, દેહ યાની તન કાયા શરીર, નિસ્તિન યાની હરરોજ પ્રતિદિન, રક્ત યાની લહુ ખૂન, અસ્થિ યાની હડ્ડી, હર્ષ યાની આનંદ, પ્રાણ યાની જાન જીવ જીવ, તરાના યાની ગીત ગાન, પ્રગતિ યાની ઉન્નતિ વિકાસ, એક કે તો એકતા, રાગ તો સ્વર તાલ લયયુક્ત સંગીત, ગાન યાની ગીત ઓર નિશાન યાની ચિહ્ન। અભી હમ સ્વાધ્યાય અભ્યાસ દેખેંગે। તો યહાં એક નિમ્નલિખિત પ્રશ્ન કે ઉત્તર દીજીએ। પ્રશ્ન નંબર એક, એક જગત એક લોક એસા કવિને ક્યો કહા હૈ? તો યહ સંસાર એક માનવ લોક હૈ, એક હી ચંદ્રમા સારે સંસાર મેં અપની ચાંદની ફેલાતા હૈ, એક હી સૂર્ય સારે સંસાર કો પ્રકાશિત કરતા હૈ, दुनिया के सभी लोग एक ही धरती पर और एक ही आसमान के नीचे रहते हैं। इस प्रकार प्रकृति के तत्व हम सबके लिए एक है, इसलिए कवि ने एक जगत एक लोक कहा है। प्रश्न नंबर दो, एक रक्त का अर्थ समझाइए। तो मनुष्य चाहे किसी भी देश जाति और धर्म का हो, उसके रक्त का रंग लाल ही होता है। रक्त के रंग की समानता से साबित होता है कि पूरी मनुष्य जाति एक है। भले ही हमारे रंग रूप भिन्न हो पर भीतर से हम सब एक है। प्रश्न तीन, हमारा धर्म क्या होना चाहिए? तो सबकी प्रगति, सबको न्याय मिले और मानवता की रक्षा, यही हमारा धर्म होना चाहिए। प्रश्न चार,
हमारा जीवन सुख दुख की एक कहानी है, ऐसा कवि ने क्यों कहा है? तो सभी मनुष्य के जीवन में कभी सुख के दिन आते हैं तो कभी लोगों को दुख के दिन भी देखने पड़ते हैं। किसी का सारा जीवन न सुखी होता है न दुखी। जीवन में बारी बारी से सुख और दुख आते रहते हैं, इसलिए कवि ने कहा है कि हमारा जीवन एक सुख दुख की कहानी है। आगे देखते हैं। दो, ऊंचे स्वर में पढ़िए। तो ये जो शब्द है उसे हमें ऊंचे स्वर में पढ़ना है। सूर्य, सुख दुख, रक्त, अस्थि, प्राण, गाय, गूंज, हर्ष, ऐक्य, कर्म, प्रगति, लहराए और विश्व शांति। तीन, उदाहरण के अनुसार निर्देशित वर्ण से शुरू होने वाले शब्द बनाए। क से कौआ, क से कमल, क से कागज और क से कौशल। ग से हम शब्द बनाएंगे तो ग से गणेश, ग से गमला, ग से गज, ग से गीत। ग से घर के घर से शब्द बनाएंगे तो घर, घर से घड़ी, घर से घंटा, घर से सॉरी ग से घटना। च से बनाएंगे तो च से चरखा, च से चमचा, च से चरण, च से चटाई। म से शब्द बनाएंगे तो म से महल, म से मकान, म से मक्खन, म से मोर। आगे देखते हैं चार, शब्द सारणी। तो देखो यह कोष्टक हमें दिया गया है, बराबर। तो कोष्टक में शब्द है, कई सारे शब्द है, बराबर। तो इस कोष्टक में से हमें शब्द ढूंढ कर ऐसे राउंड करना है। या एक दिया गया है बाइबल, बराबर। तो ऐसे शब्द होंगे बाइबल, सॉरी महाभारत, पारसी, हिंदू, मस्जिद, मंदिर, अवस्था, रामायण, मुस्लिम, साई, गुरु ग्रंथ साहिब, सिख। ये शब्द हमें ढूंढ कर राउंड बनाना है, बराबर। और ऐसे वाक्य भी लिखने हैं। तो उपरोक्त सारणी में से कुछ सार्थक शब्द दिए गए हैं, उन्हें ढूंढिए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो बाइबल का किया गया है इस तरह के, बाइबल धर्मग्रंथ है। दूसरा हम बनाएंगे महाभारत से, तो महाभारत महाकाव्य है। दूसरा, तीसरा शब्द पारसी, तो अग्नि, पारसी अग्नि की पूजा करते हैं। हिंदू, तो हिंदू मंदिर में जाते हैं। मस्जिद, तो मुसलमान मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं। मंदिर, तो यह राम का मंदिर है। अवेस्ता, तो अवेस्ता पारसियों का धर्मग्रंथ है। रामायण, तो रामायण हिंदुओं का धर्मग्रंथ है। मुस्लिम, तो ईद मुस्लिम का त्यौहार है। साई, तो साई एक संत थे। गुरु ग्रंथ साहिब, तो गुरु ग्रंथ साहिब सिखों का धर्मग्रंथ है। सिख, तो सिख गुरुद्वारा में जाते हैं। पाँच, इस गीत को कक्षा में टैप रिकॉर्डर के द्वारा सुनाएं। तो बाल दोस्तों, आपको टैप रिकॉर्डर की मदद से इस गीत को सुनना है। अब हम स्वाध्याय देखेंगे। प्रश्न एक, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न एक, इस काव्य में प्रकृति के कौन कौन से तत्व हैं? तो इस काव्य में प्रकृति के तत्व चंद्रमा, सूर्य, भूमि, आकाश, हवा और पानी है। प्रश्न नंबर दो, काव्य का ऐसा शीर्षक एक जगत एक लोक क्यों रखा गया है? तो पूरे विश्व को एक ही सूर्य प्रकाश देता है, विश्व में एक ही हवा चल रही है और पानी भी एक ही है। सबके जीवन में सुख और दुख समान है। सभी मनुष्यों का शरीर मांस और हड्डियों से बना है। इस तरह कवि ने पूरे विश्व की एकता सिद्ध की है, इसलिए इस काव्य का शीर्षक एक जगत एक लोक रखा गया है। प्रश्न नंबर तीन देखते हैं, आप इस काव्य को और कौन कौन से शीर्षक देना चाहेंगे? तो इस अलावा काव्य को ये शीर्षक देना चाहेंगे, एक विश्व एक तरह तथा हम सब विश्वबंधु। प्रश्न नंबर चार, सभी नदियाँ अलग अलग है, फिर भी कवि क्यों कहते हैं कि एक ही पानी? तो सभी नदियों के पानी की वैज्ञानिक संरचना एक जैसी है, सभी नदियों के पानी का मनुष्य के लिए समान उपयोग है, इसलिए कवि अलग अलग नदियों के पानी को एक ही पानी कहते हैं। दो, विलोम अर्थ वाले शब्दों के जोड़े बनाइए और उदाहरण अनुसार वाक्य में प्रयोग कीजिए। देखो, विलोम यानी कि विरोधी शब्द का जोड़ा बनाना है हमें। एक कोष्ट गो राउंड दिया गया है, उसमें से ढूंढकर। तो पास, तो दूर। ऐसे हम देखेंगे तो शुभ तो अशुभ, चेतन तो जड़, जीवन तो मृत्यु, स्वामी तो दास, प्रकाश तो अंधकार। यह उदाहरण दिया गया है वाक्य बनाने के लिए। तो उदाहरण है कि मेरे घर के पास मीना का घर है। दूसरा वाक्य कि मीना का घर मेरे घर से दूर नहीं है। तो ऐसे हम वाक्य बनाएंगे कि शुभ तो विजयादशमी का दिन सबके लिए शुभ दिन है, अशुभ तो कल का दिन आपके लिए अशुभ था। जैसे चेतन, तो वृक्षों में भी चेतना है, जड़ तो वनस्पति जड़ नहीं है। तीसरा, जीवन तो औषधियाँ हमें जीवन देती है, मृत्यु तो औषधियाँ हमें मृत्यु से बचाती है। चौथा शब्द है स्वामी, तो ईश्वर सबका स्वामी है। दास, स्वामी का विलोम दास, तो यह किसी का दास नहीं है। पाँचवा, प्रकाश तो सूर्य हमें प्रकाश देता है, विलोम शब्द है अंधकार, तो दीपक अंधकार का नाश करता है। तीन, उदाहरण के अनुसार समान प्रास वाले शब्द बनाकर लिखिए। उदाहरण है आना तो जाना, तो शब्द है सुनकर
तो पढ़कर, मेहरबान तो बागबान, सेठानी तो जेठानी। तो इसे हम शब्द बनाएंगे। प्रश्न चार, निम्नलिखित भाव दर्शाने वाली काव्य पंक्तियाँ लिखिए। एक, पूरे विश्व में एक ही सूर्य का प्रकाश है, एक ही हवा चल रही है और एक ही प्रकाश का, एक ही प्रकार का जल है। तो काव्य पंक्ति लिखेंगे, एक तेज एक हवा एक ही पानी। दूसरा वाक्य, समता का यह गीत पूरा विश्व हमेशा गा रहा है। तो हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने, समता और ममता के गीत कराने। प्रश्न पाँच, समानार्थी शब्द ढूंढकर घेरा बनाइए और लिखिए। तो देखो इधर शब्द दिए गए हैं, तो कोष्टक में से शब्द ढूंढकर उसका घेरा बनाना है और यहाँ लिखना भी है। तो लिखेंगे लोक, तो कोष्टक में से ढूंढकर हम लिखेंगे लोक का सामान्यतः शब्द है विश्व दुनिया। मान तो सम्मान प्रतिष्ठा, निशान तो चिन्ह संज्ञा, हाथ तो हस्त पानी, अंबर तो आकाश आसमान गगन। प्रश्न छः, प्रश्न पाँच में आपने जो दो सामान्यार्थी शब्द ढूंढे हैं उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। उदाहरण है हाथ यानी पानी, उदाहरण है कि सीता ने पानी से पानी पिया। तो ऐसे हम शब्द ढूंढ कर लिखेंगे विश्व, तो विश्व तो सारा विश्व एक है, दुनिया तो दुनिया में बहुत देश है, सम्मान तो हम बड़ों का सम्मान करते हैं, सामान्यतः उसका ही प्रतिष्ठा तो अच्छे कामों से हमारी प्रतिष्ठा बढ़ती है, चिन्ह तो यह किसी के पैर का चिन्ह है, संज्ञा तो दरवाजे पर कोई संज्ञा नहीं है, हस्त तो हस्त की शोभादान है, हस्त यानी पानी तो सीता ने पानी से पानी पिया, आकाश तो आकाश का कई अंत नहीं है, आकाश यानी आसमान तो आसमान का रंग नीला है, और तीसरा गगन तो धीरे धीरे गगन बादलों से छा गया। प्रश्न सात, नीचे दिए गए चौरस में से उदाहरण के अनुसार संज्ञा शब्द बनाइए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे कि देखो यह फूल शब्द बनाया गया, तो यह फूल सुंदर है, तो हम संज्ञा शब्द देखेंगे, शब्द ढूंढेंगे कमल, कमल मिला बर कमल के ऊपर घेरा बनाएंगे और वाक्य बनाएंगे, तालाब में कमल खिले हैं। दूसरा सागर, तो सागर की शोभा दर्शनीय है। तीसरा भारत, तो भारत विशाल देश है। चौथा हिमालय, तो हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है। पांचवा आरती, तो मंदिर में आरती के समय बहुत भीड़ होते हैं। आगे देखते हैं भाषा सज्जता, तो बाल दोस्तों ये चित्र आप देख सकते हैं, तो जो भाई बहन हैं वो मिट्टी में से खिलौने बना रहे और उसके मम्मी पापा पीछे खड़े हुए हैं। तो इन वाक्य को पढ़िए, तो नीचे के वाक्य को हम पढ़ेंगे, लक्ष्मी आज स्कूल क्यों नहीं आई, शिक्षिका ने पूछा। दूसरा वाक्य, वाह गुड़िया तो बहुत अच्छी बनी है। तीसरा वाक्य, किशन ने कहा हाँ बेटी मैं तुम्हें खिलौने बनाना जरूर सिखाऊंगा। चार, क्यों वहाँ कोई तकलीफ है, तो किसी भी भाषा को बोलते पढ़ते और लिखते समय अर्थ को स्पष्ट करने के लिए वाक्यों के बीच या अंत में थोड़ा रुकना पड़ता है, इस रुकावट का संकेत देने वाले लिपि चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। तो अब इतना जानिए विराम चिन्ह, पंचक समाप्त करते तो उसमें है पूर्ण विराम, फुल स्टॉप इंग्लिश में बोलते फुल स्टॉप, तो उसका वाक्य पूर्ण होने पर होता है, जैसे कि मोहन ने पत्र लिखा। दूसरा वाक्य, सीता स्कूल नहीं गई, वहाँ रुक जाते तो आप फुल स्टॉप यानी कि पूर्ण विराम रखते हैं। अल्प विराम, तो अल्प विराम का प्रयोग वाक्य में थोड़ा रुकने का संकेत देने के लिए होता है, जैसे कि राम सीता और मोहन घर गए। दूसरा वाक्य, रोको मत जाने दो, हम थोड़ा रुकते फिर बोलते, तो वहाँ क्या आता है अल्प विराम। अब प्रश्नवाचक चिन्ह, हम किसी को प्रश्न पूछते हैं, किसी व्यक्ति के से कोई जानकारी प्राप्त करने के हेतु उपयोग में लिए जाने वाले वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है, जैसे कि क्या तुम विद्यालय गए थे। दूसरा, तुम क्या करते हो, तो हमें जवाब मिलेगा बराबर, तो उसे प्रश्नवाचक बोलते। विस्मयादि बोधक चिन्ह यानी कि मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन इंग्लिश में बोलते, गुजराती में बोलते उद्गार चिन्ह, तो आश्चर्य घृणा सुख दुख आदि भावों को प्रकट करने के लिए इसका प्रयोग होता है, जैसे अरे बाप रे वाह शाबाश आहा। वाक्य है कि वाह आपने तो कमाल कर दिया, वो आश्चर्य लगता है ना हमें कुछ, तो हम ऐसे बोलते हैं, और वहाँ कौन सा चिन्ह आता है, विस्मय आदि बोधक चिन्ह। अरे क्या हो गया, तो वहाँ भी क्या लगा, अरे के पीछे विस्मय आदि बोधक चिन्ह, और वाक्य के अंत में पूर्ण विराम। योजक चिन्ह यानी हाइफन, योजक चिन्ह का प्रयोग सामासिक शब्दों को जोड़ने के लिए होता है, जैसे
सुख दुख माता पिता पाप पुण्य देश विदेश आदि, यानी कि समान अर्थ धरा होते ना, सॉरी सामासिक शब्दों को जोड़ने के लिए किया जाता है। तो सबके जीवन में सुख दुख आते हैं, माता पिता की सिवा ही सच्ची पूजा है तो माता पिता सुख दुख जीवन वर्ण वहाँ क्या होता है योजक चिन्ह। निर्देशक यानी कि डेस, तो निर्देशक चिन्ह का प्रयोग वाक्य में बात को स्पष्ट करने के लिए होता है, जैसे मोहन ने अपने मित्रों राकेश आकाश अविनाश से रुपये मांगे, तो मित्रों और मित्रों के नाम राकेश आकाश अविनाश वो लिखने के लिए हमें क्या किया डेस मार्क किया बराबर, तो वहाँ उसका उपयोग होता है। ग्राहक कहता है इस पुस्तक का क्या मूल्य है, तो मैं कहता है लिखने की जरूरी नहीं होती, क्या करते हैं हम डेस मार्क रख देते हैं। दुकानदार बोला यह 25 रुपये की है। कोष्टक यानी कि ब्रैकेट, तो किसी शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कोष्टक का प्रयोग होता है, जैसे अध्ययन यानी कि पढ़ना हर क्षेत्र में लाभ देता है, सॉरी अध्ययन हर क्षेत्र में लाभ देता है। जो अध्ययन का अर्थ नहीं मालूम होता तो हमने ब्रैकेट में क्या लिखा है पढ़ना, अध्ययन यानी पढ़ना। तो विरोधार्थी यानी कि विलोम शब्द लिखिए, तो विरोधार्थी का दूसरे को विरोधार्थी को हम दूसरे विलोम भी बुला सकते बराबर, तो हम कोष्टक में विलोम लिखा है बराबर। वे अवतरण चिन्ह इन्वर्टेड कॉमास, तो अवतरण चिन्ह दो प्रकार के होते, इकहरा, तो इकहरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग किसी के उपनाम रचना या पुस्तक के शीर्षक आदि को उद्धृत करते समय लिखा जाता है, जैसे कि समझदार नन्ही पाठ के लेखक के शंकर सुल्तानपुरी, सूर्यकांत त्रिपाठी का उपनाम निराला है। दुहरा यानी डबल इन्वर्टेड कॉमा, किसी व्यक्ति के कथन को मूल रूप में उद्भूत करने के लिए दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि महात्मा गांधी जी ने कहा है कि प्रार्थना ही आत्मा की खुराक है। दूसरा शास्त्री जी ने नारा दिया जय जवान जय किसान। अब एक के 8 वाक्यों में उचित चिन्ह लगाइए। छी छी तुमने यह क्या किया, तो छी छी के बाद क्या आएगा अल्पविराम आएगा, और तुमने यह क्या किया के पीछे क्या आएगा प्रश्नार्थ चिन्ह। 2 वैशाली ने मयंक से कहा घर चलो, तो वैशाली और डेस रख सकते हैं घर चलो, सॉरी वैशाली ने मयंक से कहा घर चलो तो वह पूर्ण विराम आएगा। 3 वाह मजा आ गया, तो वाह शब्द के पीछे आएगा उद्गार चिन्ह विस्मय आदि बोधक चिन्ह, मजा आ गया के पीछे आएगा पूर्ण विराम फुल स्टॉप। 4 अरे तुम नहीं गए, तो अरे के पीछे आएगा अल्प विराम तुम नहीं गए के पीछे आएगा प्रश्न चिन्ह। अब हम देखते हैं योग्यता विस्तार, तो यह कि चित्र में रंग भरी और प्रकृति के बारे में चर्चा कीजिए, तो ये चित्र है इसमें आपको रंग भरने हैं और प्रकृति के बारे में चर्चा करनी है। तो हम लिखेंगे कि अशोक कहता है देखो यह कितना सुंदर स्थान है, हरी भरी घास मखमल सी बिछी हुई है। मनोहर बोला हाँ ये पेड़ भी कितने हरे भरे हैं। अदिति बोली और नदी के किनारे पौधों पर फूल कितने अच्छे लग रहे हैं, आकाश में पंछी उड़ रहे हैं। मेहुल बोला 2 बच्चे कागज की नौका तैरा रहे हैं, नदी के जल में बतख तैर रहे हैं और मछलियाँ इधर उधर घूम रही है। अदिति बोली वह देखो हाथी अपनी सूंड हिला रहा है। नीलम बोली पेड़ पर चिड़िया तोता मोर आदि पक्षी बैठे हैं, नीचे एक मोर रूम झूम करता हुआ चल रहा है। अशोक बोला दूर से मंदिर की मधुर घंटियां सुनाई दे रही है, कुछ छोटी छोटी झोपड़ियां भी दिखाई दे रही है। अब हम कविता देखेंगे, तो निम्नलिखित कविता का गान करवाए, तो हम कविता का गान करेंगे। कविता का नाम है सबकी दुनिया एक, तो चलो। धरती के हम सब की एक, आसमान हम सब का एक, सूरज है हम सब का एक, चंदा है हम सब का एक, पानी है हम सब का एक और पवन है सब का एक, ये दुनिया में लोग अनेक लेकिन सबकी दुनिया एक। तो इस कविता के लेखक है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी, तो वो कहते कि धरती है हम सब की एक, हम सबकी धरती एक है,
आसमान हम सबका है, आसमान भी एक है सबके लिए, सूरज भी एक है, चंदा भी एक है, पानी भी एक है, ऊपरी कविता में कहा है इसी तरह, और पवन भी सबका एक है। ये दुनिया में लोगों ने कि ये इतनी बड़ी दुनिया है, इसमें सभी प्रकार के लोग हैं, पर सबकी दुनिया एक ही है, बराबर। तो भाई दोस्तों, आपको ऐसी ही कविता का भाव प्रकट करने वाली अन्य कविताएं खोजकर लिखनी है। दीपावली, ईद, पतिति, क्रिसमस जैसे त्यौहार के बारे में आपको जानना है, बराबर। तो बाल दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए इंजीनियर्स एजुकेशन चैनल के नए वीडियो। मेरा वीडियो संपूर्ण देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।